हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, आप देख रहे हैं बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। जैसा कि सबको पता है कि कल यहाँ साइक्लोन आया था, तो उसी का इफ़ेक्ट है। कल भी बारिश हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, पर आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और कंटिन्यू बारिश होए जा रही है, और साथ तक यहाँ बारिश को इन्जॉय कर रहा है। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ऐश गार्ड का जूस। इसे ये ऐश गार्ड है, ये इसे हिंदी में पेठा कहते हैं, जो नॉर्मल जो पेठा जिससे बनता है, और इंग्लिश में ऐश गार्ड कहते हैं, और कौन और इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। बंगाली में शायद इसे चालेर कुमड़ो कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। इसका जूस में कोई टेस्ट नहीं रहता है, लेकिन ये बॉडी को बहुत डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन सारे निकाल देता है बॉडी से, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ इसके पीसेस कट करके और बीज अलग करके इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है, और अब इसे छान के ये मेरा जूस रेडी है। अभी भी यहाँ बहुत बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हुए जा रही है। कल साइक्लोन आया था, पर कल इतनी बारिश नहीं हुई थी, पर आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और पता नहीं कब तक बारिश होगी। तो अभी हमारा लंच वगैरह सब फिनिश हो गया है, सार्थक सोने चला गया है, और अब मैं सोच रही थी अपने बालों में ऑयलिंग करूँ, हेयर ऑयल करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑयल नहीं लगाया है और बाल बहुत ड्राई हो गए, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। तो मैं सोची थी कि आज तेल लगा के रख लेती हूँ और कल शैम्पू करूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है तो आप बाल में तेल लगा के रख सकते हैं। नहीं तो गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, तो और स्टिकी स्टिकी हो जाता है बाल। तो अभी मैं तेल लगाती हूँ, और ये एक स्पेशल तेल है, वो मैं आपको बताऊँगी थोड़ी देर बाद। ये होम मेड ऑनियन ऑयल है, इसमें और भी बहुत कुछ मिक्स है, ये मम्मी ने बना के दिया है मुझे, और इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है। इसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं हेयर फॉल के लिए। तो अगर आपको भी जानना है कि ये कैसे बना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे ख्याल से ऑयलिंग बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, इतने हेयर फॉल होने लग गए थे। तो अभी मैंने रेगुलर कर दिया है ऑयल लगा के ही मैं शैम्पू करती हूँ, और उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। मेरे बाल हमेशा से लंबे होते थे, मुझे लंबे बाल ज़्यादा पसंद थे, पर हेयर फॉल की वजह से मुझे अपने बाल कटवा लेने पड़े, क्योंकि केयर करने का टाइम नहीं होता था और केयर नहीं होती ठीक से। अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, अभी बजे हैं शाम के 4 और सार्थक भी उठ गया है, तो मैंने सोचा कुछ गर्म बना लेते हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। बारिश भी हो रही है, अच्छा वेदर है, और कभी कभी कुछ अच्छा बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ वो एक ही चीज़ खाता है सार्थक, ओट्स, कभी सूजी और रागी का पॉरेज। तो हम भी बोर हो जाते हैं रोज एक ही खाना खा के, तो वो तो बच्चा है, इसीलिए ये आलू का चीला बना रही हूँ मैं, इसे पैनकेक भी कहते हैं, तो ये उस सार्थक को बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज उसके लिए यही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 आलू और 1 अनियन लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है, उसमें हल्दी, नमक, काली मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, धनिया पत्ता, ये सब मिक्स करके थोड़ा सा 2 चम्मच चावल का आटा लिया है मैंने उसे बाइंडिंग के लिए। आप मैदा या बेसन, कॉर्नफ्लोर कुछ भी ले सकते हैं, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन गरम हो गया है, पैन में हल्का सा तेल लगा के जो इसका चीला बना आलू को हल्के से हाथों से ही उसमें लगाएंगे, हाथों से ही उसको स्प्रेड कर लेंगे। तो ये सार्थक के लिए बना रही हूँ, मैं थोड़ा छोटा सा बना रही हूँ, अगर आप इसे थोड़ा सा और बड़ा भी बना सकते हैं। सार्थक घूम रहा है कब से किचन की तरफ कि उसे कब मिलेगा खाने को। तो इस तरह से दोनों साइड से हल्का हल्का सेक के ये बन गया है, रेडी हो गया है। सार्थक को मैंने दे दिया खाने के लिए, और वो जब तक खा रहा है, मैं अपने लिए हमारे लिए बना ले रही हूँ, और साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी है। तो गरम गरम चीला, गरम गरम चाय, वाह।